हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज शुभम एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज डे है 25 दिसंबर 2020 एंड आज के ही दिन मैं अपना फर्स्ट व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो वीडियो में बताया था आप सभी को कि जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें मैं कैमरा एक परचेज करने वाला हूँ। देन उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कौन सा कैमरा परचेज कर रहा हूँ, क्या उसके लिए एक्सेसरी, उस कैमरे के लिए क्या एक्सेसरीज मैं परचेज करने वाला हूँ, वो सब आपको दिखाऊंगा। बट फ्रेंड्स, अभी मैं रिवील कर देता हूँ, मैंने कैमरा जो है परचेज कर लिया, जैसा कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल पे भी देख लिया होगा। सो अभी चलिए हम बाहर चलेंगे एंड वहाँ पे बाकी बताऊंगा क्या ऐसा सिचुएशन बना कि मैंने कैमरा पहले ही परचेज कर लिया, वीडियो मैं उसकी नहीं बना पाया, क्यों नहीं बना पाया। अभी हम बाहर चलेंगे, वहाँ मैं आप लोगों को बताऊँगा। उससे पहले अभी थोड़ा मैं अपना घर का काम छोटा मोटा है वो निपटा लेता हूँ, देन हम लोग बाहर चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी अभी व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं, व्लॉग के साथ बने रहिए, बाकी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को क्या क्या एक्सेसरीज ले रहे हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स अभी हम रेडी हो गए हैं, बाकी जो मेरे छोटे मोटे काम थे सब मैंने निपटा लिए हैं। तो बाकी फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट यही करूँगा आप लोगों से कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग भी है ये, तो आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस भी पता चलेगा इससे कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी बातें बाहर चल के करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तो निकल पड़े हम लोग अपने मंजिल की ओर। तो मंजिल मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी फर्स्ट व्लॉग है मेरा, तो मेरा मंजिल ही है यूट्यूब पर, मेरा अभी मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। बाकी अभी जो क्वालिटी देख रहे हैं ये मैं अपने फ़ोन से ही मतलब फ्रंट जो है सीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई मतलब एक्शन कैमरा नहीं है मेरे पास। तो चलिए पहले तो पेट्रोल हम इसमें फिल करा लेते हैं स्कूटी में अपनी, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, अभी फ्यूल हमने मतलब फुल करा लिया है टैंकी अपना, अभी चल रहे हैं हम लोग चांदनी चौक कैमरा मार्केट चल रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को तो बता ही दिया मैंने कैमरा मैं पहले से ही परचेज कर चुका हूँ। तो अभी कैमरे में मेरे को लगाना है स्क्रीन गार्ड लगाएंगे वहाँ पर, और मेरे को पता नहीं है, लगता है नहीं लगता, क्योंकि फ्लिप वाला स्क्रीन है मतलब मेरे कैमरे में, तो अब पता नहीं, देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। उसके अलावा बाकी लेंस के लिए मेरे को हुड लेना है एक, और एक फ़िल्टर आता है वो लेना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है फ़िल्टर से। मैं मेरे पास एक इमेज भी पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा एक 18-55 लेंस था वो मेरा गिर गया था, बट उसमें मैंने फ़िल्टर लगा रखा था, इस वजह से मेरा वो लेंस मतलब बच गया और फ़िल्टर मेरा टूट गया था वो। तो इसीलिए मैं अभी जो कैमरे के साथ मेरा नया लेंस आया है उसमें भी मैं फ़िल्टर कोशिश करूँगा, अगर मिल जाता है तो लगा लूँगा। और उसके अलावा बाकी मेमोरी कार्ड मैंने ऑनलाइन मंगा लिया है, कौन सा मंगाया ये अभी मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा आपको, अपना कैमरा पूरा दिखाऊंगा डिटेल में। और इसके अलावा माइक मैंने ऑर्डर कर दिया, जो कि मेरे पास कल आएगा 26 दिसंबर को। तो मैं भी ये वीडियो आगे फिर कल भी थोड़ा कंटिन्यू करूंगा, मतलब माइक के साथ लगा के अपना पूरा सेटअप दिखाऊंगा कि मेरा जो मतलब व्लॉगिंग सेटअप है कैसा मैंने बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी रास्ते को भी इंजॉय करिए और कनाट प्लेस पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर, और मैं दिखा देता हूँ यहाँ से मैंने अपना कैमरा भी लिया था। ये कैनन का शोरूम आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे कैनन लिखा हुआ है, इनकी वेबसाइट भी है जस्ट कैनन करके, तो यहाँ से मैंने अपना नया कैमरा जो है लिया था। तो बाकी अभी चलिए पहले अभी तो पहले मार्केट में अपना काम करते हैं, फिर वापस में मैं आप लोगों को स्टोरी बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या हुआ था कि मेरे को कैमरा लेना पड़ा जल्दी, मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाया, क्या सिचुएशन थी। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए लाल किले पहुंच गए हम, उसके बाद अभी यहाँ इसके जस्ट सामने अपोजिट डायरेक्शन में ही अपना कैमरा मार्केट है, जहाँ से मेरे को थोड़ा सामान लेना है। तो ये देखिए लाल किला यहाँ पर, और इसके बाद चलिए फिर अभी आगे स्कूटी पार्किंग में लगा लेते हैं, बाकी फिर वहाँ पे उतर के चलते हैं आगे, फिर पैदल जाएंगे हम, तो ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं यहाँ से। ये देखिए, तो अभी आगे यहाँ पर मतलब इधर ही लगा देते हैं, यहाँ वैसे ऑथराइज पार्किंग कोई है नहीं यहाँ पे, मतलब और दिनों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश रहता है,
पार्किंग मिलना भी मुश्किल रहती है, तो बाकी देखते हैं अभी हमें पार्किंग मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि ये सामने लाजपत राय मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक की काफ़ी बड़ी मार्केट है, तो इनका ज़्यादा सामान यहाँ पर रहता है। तो अभी देखते हैं पहले हमको पार्किंग मिलती है नहीं मिलती यहाँ पर, क्योंकि संडे को तो इजली मिल जाता है, कोई खाली रहता है, इतना सामान नहीं रहता यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा मार्केट, अभी जा रहे हैं हम यहाँ से, स्कूटी पार्किंग पे लगा दी यहाँ मार्केट में मैंने, तो यहाँ पे कोई ऑथराइज पार्किंग है नहीं वैसे, तो ऐसी खड़ी कर दिया, देखो क्या होता है वापस आके, कई बार रहता है कि टो करके भी ले जाते हैं टो सर्विस वाले। वैसे देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स आज मेरे को लगा था क्या पता मार्केट बंद हो क्रिसमस की वजह से, बट आप क्राउड देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। अभी मैं बैक कैमरे से शूट कर रहा हूँ ये थोड़ा सा, तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर ये देखिए। तो चलिए चलते हैं बाकी, अभी मार्केट में चलते हैं और वहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको कैसा रहता है, खुला है बंद है क्या है। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हैं कैमरा मार्केट आ गए, तो यहाँ पीछे बैक साइड मेरे स्टेट बैंक देख रहे हैं, तो यहाँ स्टेट बैंक के अपोजिट में देखिए ये लाइट जल रही है, यहाँ से गली गई है अंदर को, तो कैमरा मार्केट है यहाँ पे। तो चलिए अभी चलते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ का काम हमारा हो गया था, यहाँ बाहर ही मेरे को एक शॉप मिल गई जहाँ पे मैंने अपना सामान ले लिया जो भी लेना था, बाकी कुछ मेरे को फ़िल्टर वगैरह लेने थे वो हर जगह मिल नहीं रहते हर शॉप पे यहाँ पे मार्केट में, तो बाहर के साइड एक मेरे को मिल गया था शॉप, वहाँ से मैं ले लिया। तो चलिए अभी घर चलते हैं, तो घर पर चल के फिर आपको मैं अपना कैमरा दिखाता हूँ और मैं दिखाता हूँ कैसे मैंने मतलब जो भी इस पर टेम्पर्ड मैंने अपने कैमरे पर लगाया है और फ़िल्टर मैंने कौन सा लिया, और इसके अलावा बाकी मैंने एक उसका हुड भी लिया, क्योंकि अब शॉप वाले मेरे को पहले कह रहे थे कि मतलब हुड आता है M50 के साथ में, पता नहीं मेरे को तो उसमें हुड नहीं मिला कहीं भी लेंस के साथ में, तो मैंने एक अलग से परचेज़ कर लिया, क्योंकि व्लॉगिंग जो होगी फ्रेंड्स आउटडोर होगी तो उसमें ज़्यादा मतलब जो लेंस पे धूप वगैरह पड़ेगी तो मेरे हिसाब से जो है वीडियो क्वालिटी ख़राब हो सकती है मेरे को कुछ ऐसा लगा, तो इस वजह से मैंने जो है हुड भी एक्स्ट्रा परचेज़ कर लिया मतलब एक। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी हम लोग अब यहाँ से मार्केट से निकल चुके हैं, थोड़ा सा टाइम लग गया यहाँ पर, कुछ सामान वामान देख रहा था मैं, तो बाकी अभी चलिए घर चलते हैं। एंड हाँ मेरे को आप लोगों को बताना था कि कैमरा मैंने मतलब कहाँ से परचेज़ किया, वो तो मैंने वीडियो में भी स्टार्टिंग में दिखाई दिया, बाकी क्यों परचेज़ किया जल्दी जाके और मतलब उसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर पाया, तो हुआ कुछ ऐसा फ्रेंड्स कि मैं 3-4 दिन पहले आज से मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और कैमरे के लिए सर्च कर रहा था मैं, तो मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा कि कैमरा अवेलेबल था, इनका जो वेबसाइट था कैनन वालों का justcanon.in करके है समथिंग, कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उनकी वेबसाइट का लिंक, वहाँ पे मैंने देखा कि ये इन स्टॉक दिखा रहा है, बट जब मैं चेकआउट करने जा रहा था तब आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था, तो फिर मैंने सोचा लाओ भाई एक बार मैंने फ़ोन करके उनको देखूँ कि मतलब है कि नहीं है, देन मैंने कैनन पे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि हमारे पास बस एक ही पीस बचा हुआ है, आप आ सकते हो तो आके ले लो, क्योंकि उसके अलावा क्योंकि 2-4 जगह और भी बात हुई थी मेरी, तो कोई कह रहा था कि जनवरी एंड में आएगा, कोई कह रहा जनवरी फर्स्ट वीक में, तो अभी कुछ पता नहीं था मेरे को, तो मैंने बोला लेट ना किया जाए, बाकी इंट्रो वीडियो क्योंकि पहले ही शूट कर चुका था मैं, फिर काफ़ी लेट हो रहा था, मैं बोला चलो भाई ले लेते हैं, अब आ गया तो लेना तो आई कैमरा, तो फिर मैं अचानक से गया वहाँ पर मतलब ऑफिस से, मैंने मतलब 1 घंटे पहले छुट्टी ले ली जल्दी और फिर मैं चला गया CP और कैमरा वहाँ से परचेज़ करके ले आया था रात ही में, तो मेरे को टाइम नहीं मिला था क्योंकि जल्दी जल्दी में हुआ था कि मैं वहाँ से ऑफिस से आया और सीधा फिर मैं निकल गया यहाँ पे, बैग घर पे रखा और देन मैं कैमरा लेने निकल गया था, बाकी यही था। उसके अलावा मेमोरी कार्ड वगैरह मैंने ऑनलाइन ही मंगा लिया था, बाकी रह गया अपना जो भी सामान था मैंने अभी यहाँ से परचेज ही कर लिया, बाकी चलिए अभी घर पर चल के आपको दिखाता हूँ मेरा पूरा व्लॉगिंग सेटअप कैसे रहने वाला है। तो फ्रेंड्स मैंने माइक ऑनलाइन मंगाया था अपने ऑफिस के एड्रेस पे, तो आज डिलीवर हो गया था, आज डेट है 26 दिसंबर, तो वीडियो को मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। और उसके अलावा चलिए जल्दी से आप लोगों को एक क्विक अनबॉक्सिंग दिखा दूँ कि एज अ बिगनर व्लॉगर मैंने अपने मतलब व्लॉगिंग सेटअप में क्या क्या एक्सेसरीज ऐड करी है, क्या क्या मैंने लिया है, कैसे अपना सेटअप बनाया है, तो जल्दी से चलिए क्विक अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ सामान है मेरे पास जो मैंने अपने मतलब व्लॉगिंग सेटअप के लिए मैंने ऐड किया है। ये कुछ एक्सेसरीज है ये, तो बाकी अभी ऑनलाइन आया नहीं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता। बाकी इसकी जो वारंटी है सेम जैसे बाकी कैमरे की आती है, 2 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है। एंड इसके अंदर इनसाइड देखिए 16 GB मेमोरी कार्ड भी मिल जाता है हमको। बट ये वैसे मेमोरी कार्ड काम नहीं आता क्योंकि इसमें आपको पता होगा 4K रिकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो जैसे 4K रिकॉर्डिंग करता है तो इसमें हाई स्पीड मेमोरी कार्ड को डालना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने मेमोरी कार्ड भी अलग से मंगा लिया। तो चलिए अभी इसको मैं साइड में रखता हूँ, एक एक करके पहले और चीज़ें दिखाता हूँ। बाकी इसके अलावा मैंने एक ये माइक मंगाया हुआ है, इसको अभी चलिए माइक फिर मैं ओपन कर लेता हूँ अभी इसको। ये ऑफिस में मंगाया था मेरा, एक दिन ये लेट हो गया इस वजह से आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बाकी माइक मैंने फ्रेंड्स बोया का मंगा लिया था क्योंकि रोड का भी आता है, इससे अच्छा माइक होता है तो, बट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। उसके अलावा मेरे को ना अभी माइक चेंज करना था, ये बस मैंने टेम्परेरी मंगाया। मेरे को जो वायरलेस वाला आता है रोड वाला, वो थोड़ा आउट ऑफ बजट हो रहा था, बट लेना मेरे को वही है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बाकी इसकी भी ऐसी नहीं है कि क्वालिटी ख़राब है। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी इसका जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो फिर आपको क्वालिटी भी पता चल जाएगी, और वैसे भी यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ख़राब माइक है, बट मेरे को लेना रोड वाला है वायरलेस वाला, तो मैंने फिर जो इसका शॉटगन माइक आता है रोड वाला वो नहीं लिया मैंने, तो इसलिए मैंने अभी ये ले लिया काम चलाने के लिए बोया का। इसके बाद फिर बाकी रोड वाला हम देखेंगे। बाकी एक हमारा माइक हो गया, ठीक है। अभी इसको साथ साइड में रखते हैं, अभी एक साथ में दिखाता हूँ आपको। और बाकी इसमें मैंने मंगाया था अपना मेमोरी कार्ड 128 GB का, वो भी 170 MBPS का। अभी देख लेते हैं पहले कैसे आया ये। ये मेरे पास आ गया था 2-3 दिन पहले, बट मैंने अभी खोला नहीं था, मैं अगला वीडियो में ही देखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस टाइप की पैकिंग आ जाती है इसकी, ये 170 MBPS का। एंड बाकी उसके अलावा एक ये हुड लिया था मैंने जब कल गया था कैमरे के लिए, तो हुड मैंने एक एक्स्ट्रा परचेज कर लिया था। एंड उसके अलावा ये ट्राईपॉड मेरे पास पहले से पड़ा था, 200-250 में आ जाता है। आजकल लोग जॉबी का यूज़ करते हैं, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव आता है अभी, और वैसे भी मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे को यही ठीक लगा। मैंने बोला इससे भी काम चल जाएगा मेरे, तो अभी ये रख लिया मैंने। तो चलिए अभी पहले सारी चीज़ें मैं खोल देता हूँ, देन उसके बाद दिखाता हूँ आपको एक एक करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ इस टाइप का मेरा सेटअप बन गया है, जो है सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है। तो बाकी इसमें मैंने ये हुड एक्स्ट्रा लिया था इस वजह से, ताकि धूप से बचाने के लिए, क्योंकि अगर जैसे बाहर में अगर व्लॉग शूट करूँगा तो अगर धूप की रोशनी डायरेक्ट लेंस पे पड़ती है तो इमेज क्वालिटी जो वीडियो क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है, तो इसलिए हुड लगा लिया मैंने। बाकी इस पर फ़िल्टर मैंने लगाया है लेंस की प्रोटेक्शन के लिए। एंड उसके अलावा बाकी माइक देखिए ऐसे कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, और बाकी स्क्रीन गार्ड पे कल मैंने इस पर जाके टेम्पर्ड भी लगवा लिया था, मार्केट जो गए थे हम तो टेम्पर्ड लगवा लिया था, ताकि इस पर एक तो दाग ना पड़े, फिंगरप्रिंट्स ना आए, और उसके अलावा स्क्रीन ना डैमेज हो और मतलब स्क्रैचेज वगैरह ना आए। बाकी कुछ इस टाइप का सेटअप दिख जाता है, और ट्राईपॉड मैंने ऐसे लगा लिया। तो चलिए फ्रेंड्स अभी इस पे कैमरे पे स्विच करता हूँ और कैमरे की क्वालिटी दिखाता हूँ कैसी होती है। तो फ्रेंड्स अभी हमने अपने कैमरे पे स्विच कर लिया, तो आप लोग क्वालिटी देख ही सकते हैं। बाकी कमेंट करके बताना कैसी क्वालिटी आ रही है। एंड इसके अलावा जो माइक यूज़ कर रहा हूँ, बोया वाला माइक यूज़ कर रहा हूँ जो अभी हम न्यू लेकर आए हैं। बाकी आप लोगों को भी वॉइस क्वालिटी ठीक लग रही होगी तो आप लोग परचेज़ करना चाह रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा बाकी फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही था, आगे जितनी भी वीडियोज आएंगी सेम इसी क्वालिटी से आएंगी, इसी कैमरे से आएंगी। एंड जो क्वालिटी है फ्रेंड्स, ये अभी मैंने ऑटो पे कर रखा है वीडियो, क्योंकि अभी इस कैमरे के साथ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो अभी मेरे को भी काफ़ी कुछ सीखना, आगे देखता हूँ मैं अगर कुछ हो सकता है मेरे से कि वीडियो क्वालिटी और ज़्यादा सुधारी जा सकती है इस कैमरे से, तो मैं ज़रूर मतलब बेस्ट सेटिंग अप्लाई करूँगा इसके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।